नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं देवभूमि का लोकप्रिय चैनल लाइव उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13वीं यूपी स्टेट कुंफू चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस मौके पर 22 जिलों से कुंफू खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता 15 व 16 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित हो रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। लखनऊ में यूपी स्टेट कुंफू चैंपियनशिप शुरू हो गई है। मंगलवार को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यूपी कुंफू एसोसिएशन के सचिव ज्ञान प्रकाश, महासचिव भारतीय कुंफू संघ मंजू त्रिपाठी, भारतीय कुंफू संघ के उपाध्यक्ष चंद्रसेन वर्मा और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कमलकांत गौतम ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस मौके पर चंद्रसेन वर्मा ने कमलकांत गौतम को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद कमलकांत गौतम ने प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत की। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली इस प्रतियोगिता की शुरुआत पर प्रदेश के 22 जिलों से आए खिलाड़ियों ने कुंफू की विभिन्न शैलियों का अत्यंत रोमांचक प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन को देखकर वहां बैठा हर कोई दंग रह गया। इस मौके पर बोलते हुए भारतीय कुंफू संघ के उपाध्यक्ष चंद्रसेन वर्मा ने कहा कि हम सभी यहां 22 जिलों से इकट्ठा हुए हैं। हमें यहां पर हार या जीत के मायने नहीं रखने चाहिए, जरूरी ये है कि हम हर कला को पूरे देश में फैलाएं। उन्होंने आगे कहा कि कुंफू एक ऐसी कला है जिसमें हथियारों का कोई प्रयोग नहीं होता, बल्कि वह अपने शरीर को हथियार के रूप में प्रयोग कर अपनी रक्षा करना होता है। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि कमलकांत गौतम ने कहा कि इस कला को हमें अपने दैनिक जीवन में लाना चाहिए, ये हम सबके लिए बेहद जरूरी है। मुख्य अतिथि ने आगे कहा कि इस आयोजन के लिए कुंफू एसोसिएशन को मैं बधाई देता हूँ। दुनिया भर में कुंफू की अपनी अलग पहचान और सम्मान है। कुंफू पर आधारित फिल्में भारत में बहुत अधिक पसंद की गई हैं। ऐसे में ये प्रतियोगिता भी काफी समय तक याद की जाएगी। ये एक ऐसी कला है जिसके द्वारा इंसान अपने प्रतिद्वंदी को बिना हथियार के ही चित कर देता है। उन्होंने कहा कि कुंफू खेल से आत्मरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। भारतवर्ष में इस खेल की शुरुआत तब हुई थी जब अस्त्र शस्त्र चलन में नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में ये अद्भुत खेल है जिसमें बच्चों को शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक जो इसमें उत्साहवर्धन हो रहा है वह पूरे विश्व में जाना चाहिए, पूरे जगत में जाना चाहिए और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी से जाना चाहिए। मैं अपने बच्चों को, अपने आयोजक गण साथियों की और सारे सहयोग करने वाले साथियों को शुभकामना देता हूं। इस शुभकामना के साथ साथ जो सहयोग, किसी प्रकार का अगर सहयोग की आशा रखते हैं तो मैं सहयोग करूँगा। 22 जिलों से लगभग 200 बच्चे आए हुए हैं जो कुंफू की कला का प्रदर्शन करेंगे और ये आज सिर्फ हार जीत का एक मौका नहीं है। जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं कई लोग तो किसी का दिन अच्छा होता है, प्रतियोगिता में कोई जीतता है कोई हारता है। मैं सभी बच्चों को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि एक दूसरे से सीखें, क्योंकि जब अलग अलग विधा के लोग जमा होते हैं तो दूसरे से बहुत सीखने का मौका मिलता है और समझने का मौका मिलता है, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से 13वीं स्टेट कुंफू चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है, इसमें 22 जिले के बच्चे आए हैं और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। ये खेल धीरे धीरे काफ़ी बड़ा प्रचारित प्रसारित हो रहा है, तो आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं डॉक्टर चंद्रसेन जी की भी काफ़ी सक्रियता है और चीफ गेस्ट पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम जी आए हैं और तमाम बच्चे आए हैं, तो एक ये अच्छा मैसेज जा रहा है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और साथ ही सारे जितने भी बच्चे हैं वो एक अनुशासित नागरिक तैयार होंगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग
इस खेल को जरूर, ये सारे हर लोगों के लिए खेल है, ये महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए, सबके लिए है, और ये फ्रूटफुल है, ये देश का खेल है। तो हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस खेल को कैसे बढ़ाएं और कैसे अपने आम जीवन में इसको आत्मसात करके फिट रहें, स्वस्थ रहें। और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री का संदेश भी है कि अगर हम अपने देश को स्वस्थ रखना है, समर्थ रखना है और फिट रखना है तो हम लोगों को कुंग फू खेलना चाहिए। उत्तर प्रदेश कुंग फू संघ के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ख़ास करके इसकी बधाई के पात्र त्रिपाठी जी, जो इसके प्रशिक्षक हैं, और अध्यक्ष राजन गौतम जी, उपाध्यक्ष श्री चंद्रसेन वर्मा जी, उनको भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। और ये कार्यक्रम 14 से 16 तक चल रहा है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चों में एक सेल्फ डिफेंस की भावना आती है, ये साथ साथ में बौद्धिक क्षमता भी डेवलप होती है, और इनका जो शारीरिक क्षमता है ये निखर करके आता है कि किस बच्चे के अंदर कितना स्टेमिना है। और सबसे बड़ी बधाई की बात यह है कि कल पहली बार लखनऊ में ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होगा कि पत्रकारों के लिए कार्यक्रम रखा गया है, और कल मुझे लगता है करीब 5,000 पत्रकार इस कार्यक्रम का लाभ लेंगे और इस योगा से अपने आप को वो प्रशिक्षण पा करके फिर अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। दिसंबर में राष्ट्रीय कुंग फू प्रतियोगिता लखनऊ में होने वाली है, उसके तत्वावधान में उत्तर प्रदेश कुंग फू संघ की ये 13वीं प्रादेशिक कुंग फू प्रतियोगिता का लखनऊ में आयोजन हो रहा है, जो कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बहुउद्देशीय हाल में दिनांक 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक का आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश कुंग फू संघ के माध्यम से बेहतरीन खिलाड़ी चयनित किए जाएंगे, जो कि भारतीय प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों को मौका देंगे कि वे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करें। उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर टीमें आई हुई हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से झांसी, कौशाम्बी, जौनपुर, कानपुर और लखनऊ की टीमें प्रमुखता से इसमें प्रतिभागिता करेंगी। मेरा विश्वास है कि यहाँ के खिलाड़ी पूरे प्रदेश के विभिन्न खिलाड़ियों को निश्चित रूप से अच्छी चुनौती देंगे और प्रादेशिक टीम में जगह बनाएंगे। इस प्रतियोगिता का सीधा सीधा उद्देश्य ये कि हम भारत की मूल कलागत जो है आत्मरक्षा कुंग फू को आप पूरी तरह से प्रमोशन करें, खिलाड़ियों को ग्रास रूट से लेकर के उस लेवल तक ले जाएं जो कि आज उनकी ज़रूरत है। वाकई यूपी स्टेट कुंग फू चैंपियनशिप के मंच पर इतनी भारी संख्या में कुंग फू खिलाड़ियों का एकत्रित होना देश के भविष्य को रोशन साबित करता हुआ दिखा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे हमारा चैनल लाइव उत्तराखंड, खबरें उत्तराखंड की।